मेरे मॉम डैड ने मुझे जाने की परमिशन दे दी है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने सुना है उस बगीचे में अलग अलग तरह के फूल लगे हैं जो कहीं भी देखने को नहीं मिलते। हाँ यार, मैंने भी बगीचे में लगे हुए फूलों के बारे में बहुत सुना है। उस बगीचे में सभी फूल पूरे साल के लिए रहते हैं, है ना कमाल? मैं तो वहाँ से ढेर सारे फूल तोड़ कर लाऊंगी। अरे नहीं यार, मैंने सुना है वहाँ से फूल तोड़ना सख्त मना है। हम सिर्फ दूर से ही फूलों को देख सकते हैं। एक तो हम इतनी दूर जा रहे हैं और ऐसे ही खाली हाथ वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तो अपनी पसंदीदा फूल तोड़ कर ही लाऊंगी। लगता है तुम्हें पता नहीं, बगीचे के बाहर साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्हें तोड़ना और छूना सख्त मना है, और अगर किसी ने फूलों को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। रचना तुम कितनी बुद्धू हो। वो सब लोगों को डराने के लिए लिखा है, और बेवकूफ लोग डरते भी हैं, लेकिन हम नहीं डरने वाले। मेरी मॉम ने तो मुझे मना किया है, इसलिए मैं किसी फूल को हाथ नहीं लगाऊंगी। और मैं तुम दोनों को भी वार्निंग देती हूँ कि वहाँ फूलों को हाथ मत लगाना। ओफो रचना, ये सब बातें बाद में कर लेंगे, पहले वहाँ पहुँच तो जाए। फिर तीनों सहेलियाँ मौज मस्ती करते हुए उस बगीचे में जा पहुँची जहाँ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। उन फूलों में से इतनी मनमोहक खुशबू आ रही थी कि तीनों को बगीचे में घूमते घूमते काफी देर हो गई। रचना तो रंग बिरंगे फूलों में पूरी तरह खो गई। काश मेरा घर इन्हीं फूलों के आसपास होता। मेरा तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इन फूलों में से। ऐसा लग रहा है मानो ये मुझे अपनी ओर खींच रही है। रचना, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल और यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। वैसे भी रात होने वाली है। लेकिन माला, तुम कुछ भूल रही हो। हाँ हाँ, मुझे पता है, तभी तो मैं रात होने का इंतजार कर रही थी। अब मुझे फूल तोड़ते हुए यहाँ कोई नहीं देखेगा, यही सही मौका है। जल्दी से दो चार फूल तोड़ लेती हूँ। रचना ने माला और तारा को फूल तोड़ने से बहुत रोका, लेकिन उन दोनों ने रचना की बात नहीं मानी। फिर जैसे ही वो दोनों फूलों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, तभी अचानक से बहुत तेज बिजली कड़की और वो दोनों गायब हो गई। ये देख रचना घबरा गई। माला, तारा, तुम कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? मैंने तुम दोनों को कितना समझाया था कि फूलों को हाथ मत लगाना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। ये कहते हुए रचना रोने लगी, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। सुनो, तुम फौरन यहाँ से चली जाओ, वो तुम्हें भी कैद कर लेगी। कौन है यहाँ? हम फूल में कैद परियाँ बोल रही हैं। क्या तुम्हें हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकती हूँ। तुम्हें हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है, इसका मतलब तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। कैसी मदद? हम तुम्हें सारी बात बताएंगे, लेकिन अभी चुड़ैल के आने का समय हो गया है। तुम फौरन यहाँ से चली जाओ, नहीं तो वो तुम्हें कैद कर लेगी। फिर ना ही तुम अपनी सहेलियों को बचा पाओगी, ना हमें इस कैद से आज़ाद कर पाओगी। अब जाओ यहाँ से और कल सुबह हमसे मिलने आना। फूल बनी परियों की बात मान रचना जल्दी से वहाँ से चली गई। उसके जाते ही वहाँ चुड़ैल की टोली आई। उनमें से जो चुड़ैल रानी थी वो बोली, ये बगीचा दो दिन बाद गायब हो जाएगा। तुम सभी जानती हो ना दो दिन बाद क्या होने वाला है? सब तैयार हो ना? हाँ हाँ चुड़ैल रानी, हम सब तैयार हैं। अब इन परियों का क्या होने वाला है? पृथ्वी के लोगों को लगता है ये सभी फूल हैं, लेकिन ये फूल नहीं, ये तो परी लोग की परियां हैं, जिन्हें मैंने फूल बनाकर रखा है। दो दिन बाद इन सभी परियों की बलि चढ़ाई जाएगी। उसके बाद सबसे शक्तिशाली और ताकतवर रानी इस दुनिया में कोई नहीं होगी, परी लोग की रानी भी नहीं। हर तरफ मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। चुड़ैल रानी, आज तो आपने दो लड़कियों को बंदी बनाया है, इसका क्या करना है? करना क्या है, बहुत दिनों से इंसान का मांस खाने को नहीं मिला। इतने समय से घास फूस खाते खाते बोर हो गई हूँ। उन दोनों को भून कर खा जाएंगे। बस पहले परियों की बलि दे दे, उसके बाद हम दोनों लड़कियों को खाकर जश्न मनाएंगे। फिर अगली सुबह रचना दोबारा से बगीचे में जाती है। सूरज की किरणों से बगीचा चमक रहा था। सभी फूल और भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। दूर दूर से लोग फूलों को देखने बगीचे में आने लगे। रचना उन लोगों के जाने का इंतजार करने लगी। दोपहर के समय जब सभी लोग बगीचे से चले गए, तब वो फूलों से बात करने लगी। फूल बनी परियों, मैं आ गई, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो? तभी उनमें से एक सबसे सुंदर फूल में से आवाज़ आई। हाँ रचना,
हमें तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है। अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। चुड़ैल की रानी 2 दिन बाद हमारी बलि देने वाली है, उसके बाद वो बहुत ही ताकतवर हो जाएगी, फिर वो सबको अपना गुलाम बना लेगी। तो मुझे बताओ मैं क्या करूं ताकि आप सभी की जान मैं बचा पाऊं। काम बहुत मुश्किल है, अगर तुमने कर दिखाया तो हम फूल से वापस परियां बन जाएंगी, फिर आसानी से चुड़ैल की रानी को हरा सकती हैं। मैं आपकी और अपने सहेलियों की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, जल्दी बताइए मुझे क्या करना होगा। चुड़ैल की रानी के पास एक बोतल है, उस बोतल के अंदर इस बगीचे के सभी फूलों का रस है, उस रस में हमारी सारी शक्तियाँ कैद है। अगर तुम वो बोतल हासिल कर लेती हो और सुबह की पहली किरण पड़ते ही हमारे ऊपर वो रस डाल देती हो तो हम अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है रानी चुड़ैल ने वो बोतल कहीं ऐसी जगह छुपा रखी होगी जहाँ कोई उसे ढूंढ ना पाए। आप चिंता मत करो, मैं वो बोतल हासिल करके ही रहूँगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर रचना फूल बनी परियों से विदा लेकर वहाँ से चली गई और वो रात होने का इंतजार करने लगी। फिर वो चुड़ैल जैसा मेकअप कर बगीचे में पहुँची और चुड़ैल की रानी के आने का इंतजार करने लगी। आधी रात होते ही चुड़ैल रानी जब बाकी चुड़ैलों के साथ बातें कर रही थी, तभी छुपकर उनकी बातें सुन रही रचना उनके सामने आई और बोली, शकलाका बुम बुम, मुझे पता है तुमने इस बगीचे में परियों को फूल बनाकर कैद कर रखा है। कौन हो तुम और मेरे बगीचे में क्या कर रही हो, और तुम्हें कैसे पता मेरे बगीचे में परियां हैं? मेरा नाम शकलाका चुड़ैल है, मुझसे कुछ नहीं छुप सकता, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। कि तुम कल सभी परियों की बलि देने वाली हो, उसके बाद तुम सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाओगी, फिर तुम पूरी दुनिया में राज करोगी। चुड़ैल रानी, मुझे लगता है ये कोई पहुंची हुई चीज है, इसे हमारे बारे में सब पता है, हमें बड़ी सावधानी से काम करना होगा। सुनो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और हमारे प्लान के बारे में कैसे जानती हो, लेकिन अगर तूने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुझे चींटी की तरह मसल दूंगी। तुम चाहती क्या हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपकी टोली में शामिल होना चाहती हूँ, आपके साथ मिलकर परियों का खात्मा करूंगी। चुड़ैल रानी रचना की बातों में आ गई और खुश होते हुए रचना को अपनी टोली में शामिल कर लिया। वो सभी मिलकर आगे की प्लानिंग करने लगे। उसके बाद सभी चुड़ैल गहरी नींद में सो गई, लेकिन रचना के पास यही एक मौका था वो बोतल ढूंढने का। रचना बड़ी ही सावधानी से चुड़ैल रानी की कमरे में बोतल ढूंढने लगी। आखिरकार सुबह होने से पहले रचना ने बोतल हासिल कर ही लिया। उसके बाद सुबह की पहली किरण फूलों पर पड़ते ही रचना ने बोतल में रखा रस सभी फूलों पर छिड़क दिया, फिर सभी परियां अपने असली रूप में वापस आ गईं। इतनी सारी परियों को एक साथ देख रचना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद सभी परियां मिलकर चुड़ैल रानी के ठिकाने पर पहुंचीं। दुष्ट चुड़ैल, तुझे क्या लगा था तू हमें मार देगी, हमारी बलि चढ़ा देगी? तूने इतने समय हमें कैद रखा, हम ही जानते हैं हमने फूल बनकर कितनी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अब तुझसे गिन गिन कर बदला लिया जाएगा। नहीं, ऐसा कैसे हो गया, तुम सभी आजाद कैसे हो गई? यह संभव है? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरी बोतल किसने चुराई? साथियों हमला करो, कोई भी परी बचकर नहीं जानी चाहिए। सभी चुड़ैल मिलकर परियों पर हमला करने लगी। काफी देर तक परियों और चुड़ैल के बीच घमासान लड़ाई हुई, लेकिन आखिरकार में जीत परियों की हुई और रानी चुड़ैल समेत बाकी चुड़ैल भी मारी गईं। फिर रचना की सहेली माला और तारा भी चुड़ैल की कैद से आजाद हो गईं। रचना अपनी दोनों सहेलियों को सही सलामत देख बहुत खुश थी। उसके बाद सभी परियां रचना का धन्यवाद करते हुए बोली, रचना तुम सच में बहुत बहादुर हो, अगर तुम ना होती तो शायद अभी हम जिंदा नहीं होते और दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाता। हाँ रचना, तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुमने हमारी जान बचाई, यू आर द बेस्ट। रचना अब हमारा परी लोग जाने का समय हो गया है, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो तुम हमसे मांग सकती हो। मेरी बस एक इच्छा है, क्या आप मुझे और मेरी सहेलियों को परी लोग की सैर करा सकती हैं? बस इतनी सी बात? चलो हमारे साथ, हम तुम्हें परी लोग की सैर कराते हैं। सभी परियां रचना माला और तारा को परी लोग की सैर कराती हैं। परी लोग की सैर करके तीनों सहेलियां बहुत खुश थीं। उसके बाद सभी परियों से विदा लेकर तीनों सहेलियां खुशी खुशी अपने घर लौट गईं।
बहुत समय पहले की बात है, सोनापुर नामक गांव में तानिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। तानिया एक गरीब घर से थी, लेकिन उसके हाव भाव बिल्कुल अमीरों जैसे थे। वो अक्सर अपने अमीर होने का दिखावा करती थी। तानिया बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। तानिया हमेशा अपने मेकअप में ही लगी रहती थी। तानिया की सहेलियां भी उसकी खूबसूरती से बहुत जलती थी। तानिया अपनी खूबसूरती का बहुत ध्यान रखती थी। वो सुंदर तो थी, लेकिन उसका नयन नक्श इतना अच्छा नहीं था। साथ ही वो अक्सर अपने ज्यादातर काम दूसरों से ही करवाती थी। तानिया की माँ स्वर्णा उसका बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन फिर भी तानिया बहुत घमंडी हो गई थी और वो अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं करती थी। तानिया के पिता राघव अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करते थे। कभी कभी राघव की जगह तानिया की माँ स्वर्णा भी खेतों में काम करती थी। फसल का मौसम ना होने पर राघव गांव के बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे और स्वर्णा घर रहकर तानिया की देखभाल करती थी। तानिया के पिता राघव कम वेतन की वजह से उसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते थे, जिस वजह से तानिया अक्सर अपने पिता से गुस्सा हो जाती थी। एक दिन तानिया के पिता राघव उससे कहते हैं, तानिया बेटी, तुम्हारी माँ सुबह से खेतों में काम कर रही है, तुम भी जाकर उनकी थोड़ी मदद कर दो। नहीं पिताजी, मैं खेतों में नहीं जाऊंगी, बाहर बहुत धूप है, अगर मैं बाहर निकली तो मेरा चेहरा खराब हो जाएगा और आप तो जानती ही हैं मैं अपनी सुंदरता को लेकर कितनी ज्यादा चिंतित रहती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी माँ के पास खेत में मदद करने जाओगी तो मैं तुम्हें एक सुंदर सी ड्रेस ला कर दूंगा। तानिया सुंदर सी ड्रेस के बारे में सोचकर अपनी माँ के पास खेतों में मदद करने चली जाती है। वहाँ पर खेतों में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वहीं उसकी माँ स्वर्णा भी अपने खेतों में काम कर रही होती है। तानिया बहुत आलसी थी, इसलिए वो कोई काम नहीं करती बल्कि दूसरों को ही काम करने को कह रही थी। तभी तानिया को एक चमकता हुआ पेड़ नजर आता है। तानिया उस पेड़ को देखकर खेत में काम करने वाले एक रघु नाम के व्यक्ति को कहती है, रघु काका देखो ना, वो पेड़ कितना चमक रहा है, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, लेकिन काका मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, उसके अलावा यहाँ आसपास कोई पेड़ नहीं चमक रहा, क्या उस पेड़ में खजाना है? अरे बेटी, उस पेड़ के पास मत जाना, वो एक जादुई पेड़ है, वहाँ जाने में बहुत खतरा है। रघु के बहुत समझाने पर भी तानिया उसकी बात नहीं सुनती और लालच के मारे उस पेड़ के पास चली जाती है। पास जाकर तानिया देखती है उस पेड़ की सभी पत्तियाँ सोने जैसी थी। ये सब देखकर तानिया मन ही मन सोचती है, अगर इस जादुई सोने के पेड़ की एक भी पत्ती मेरे हाथ में आ गई तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी, फिर तो मैं बिल्कुल रानियों की तरह रहूंगी और मेरे पास अच्छा अच्छा सामान खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे भी होंगे। इतना सोचकर तानिया उस पेड़ के और नजदीक जाती है। तानिया उस पेड़ को जैसे ही छूती है उसमें से एक आवाज आती है, कौन है, कौन है यहाँ, किसने मेरी तपस्या भंग करने की हिम्मत की, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। तानिया डरते डरते जादुई पेड़ को सारी बात बता देती है कि वो किस लिए उसके पास आई थी। तानिया की सारी बातें सुनकर जादुई पेड़ हंसने लगता है, अरे तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो, तुमने अपनी सारी गलतियाँ बहुत अच्छे से मानी है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम एक अमीर लड़की बनना चाहती हो, लेकिन ऐसा एक बार में संभव नहीं है, तुम रोजाना मेरे इस पेड़ से एक सोने की पत्ती ले जाना, पर ध्यान रहे तुम मेरी तपस्या में किसी तरह की बाधा मत लाना, बिना कोई हलचल किए तुम पत्ती ले लेना। उसके बाद तानिया उस पेड़ के कहे अनुसार एक पत्ती ले लेती है और घर की ओर चली जाती है। घर जाकर तानिया बहुत खुश थी कि वो अब जल्द ही एक अमीर लड़की बनने वाली है। उस दिन के बाद से तानिया रोजाना उस पेड़ से एक पत्ती तोड़कर ले आया करती थी और उसे बेच देती थी, लेकिन उसे बेचकर भी तानिया ज्यादा अमीर नहीं बन पा रही थी। इसलिए एक दिन तानिया के मन में बहुत ही ज्यादा लालच आ जाता है। तानिया सोचते हुए कहती है, अरे पेड़ की आंखें तो बंद रहती है और इतने दिनों से मैं रोजाना सिर्फ एक सोने का पत्ता ला रही हूँ, जिसे मैं बहुत धीरे धीरे अमीर हो रही हूँ, क्यों ना आज मैं दो या तीन सोने के पत्ते ले लूँ, हाँ ये सही रहेगा, फिर तो मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगी और एक रानी की तरह ठाट से रहूंगी।
ये सब सोचकर तानिया जादुई पेड़ के पास जाती है और इस बार 3 पत्तियां तोड़ लेती है और फिर अपने घर आ जाती है। पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ देख रहा था। तानिया की इस हरकत से पेड़ क्रोधित हो जाता है और उसे दुनिया की सबसे काली और बदसूरत लड़की में बदलने का श्राप दे देता है। वहीं दूसरी तरफ तानिया खुशी खुशी अपने घर में शीशे के सामने बैठी मेकअप कर रही होती है। तभी अचानक वो एकदम बदसूरत लड़की में बदल जाती है। तानिया अपना यह बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। माँ, पिताजी, देखो ना मेरे साथ क्या हो गया। मैं तो कितनी खूबसूरत थी और अब देखो मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बन गई हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे पहले जैसा कर दीजिए ना। तानिया के माता पिता भी जब उसे इस हालत में देखते हैं तो उन्हें उस पर बहुत दया आती है। रानी बेटी, तुम रोजाना उस सोने के पेड़ के पास जाती हो, परंतु आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर आज ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी काली हो गई? अपनी माँ की बातें सुनकर तानिया और जोर जोर से रोने लगती है और उन्हें सारी बात सच सच बता देती है कि वो किस तरह जल्दी अमीर होने के लालच में जादुई सोने के पेड़ से 3 पत्ते इकट्ठे तोड़ लाई थी और जिस वजह से उसका ये हाल हो गया। तानिया बेटी, अब तुम्हें पहले जैसा करने के लिए हमें उस पेड़ के पास ही जाना पड़ेगा। एक वही है जो तुम्हें ठीक कर सकता है। चलो हम तुरंत जाकर उस पेड़ से मदद मांगते हैं और तुम अपने किए की माफ़ी भी मांग लेना। स्वर्णा की बात मानते हुए तानिया अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर उस पेड़ के पास जाती है और रोते हुए कहने लगती है। पेड़ जी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपके खजाने में से 2 पत्तियां ज्यादा तोड़ ली थी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी और चोरी तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वो सब तो ठीक है बेटी, लेकिन मैं जो श्राप तुम्हें दे चुका हूँ मैं उसे वापस नहीं ले सकता। परंतु अगर तुमने अच्छे काम किए, लोगों की मदद की, तो तुम्हारा रंग पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है पेड़ जी, मैं अब से ही लोगों की मदद करना शुरू कर रही हूँ और अब से मैं सभी की बात मानूंगी। इतना कहकर तानिया वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। उसके बाद तानिया अपनी माँ की हर बात मानती है और पिता की सेवा भी करती है। उस दिन के बाद से तानिया को गांव में जो भी मदद की पुकार लगाता हुआ मिलता, तानिया उसकी मदद जरूर करती। धीरे धीरे तानिया को लोगों की मदद करने में मजा आने लगा। इसी वजह से उसकी आदत अब अच्छी हो गई थी। सभी लोग तानिया से बहुत खुश रहने लगे थे। पर बहुत दिन बीत जाने के बाद भी जब तानिया का रंग पहले जैसा नहीं हुआ तो वो एक बार फिर से जादुई सोने के पेड़ के पास गई और उसे कहती है। पेड़ जी, मैंने आपके कहे अनुसार सभी लोगों की मदद की और सबसे बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, अपने माता पिता की सेवा भी की, परंतु मेरा रंग तो बिल्कुल भी नहीं बदला। कृपया कर मेरी मदद कीजिए, मैं इस काले रूप में नहीं रहना चाहती हूँ। तानिया, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। आज वो सही समय आ गया है जब मैं तुम्हें पहले जैसा गोरा बना सकता हूँ। ये लो, ये एक जादुई सोने की ड्रेस है। इसे मैंने अपनी जादुई शक्तियों से बनाया है। इस जादुई सोने की ड्रेस को पहनते ही तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक हो जाओगी। साथ ही साथ तुम इस ड्रेस से कोई भी जरूरत का सामान मांग सकती हो। ये हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करेगी। तानिया पेड़ को धन्यवाद कहती है और उस जादुई सोने की ड्रेस को अपने साथ घर ले आती है। घर आकर तानिया उस जादुई ड्रेस को पहन लेती है। उसके वो ड्रेस पहनते ही वो पहले से भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक हो जाती है। उसके बाद से तानिया हमेशा उस जादुई सोने की ड्रेस को पहनकर रखती और उसे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो उस ड्रेस से मांग लेती। कुछ समय बाद तानिया के पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अब उनका पहले से भी अच्छा और बड़ा घर था। तानिया न सिर्फ अपने माता पिता का ध्यान रखती बल्कि जादुई सोने की ड्रेस की मदद से गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करती थी।